अक्सर देखने में आता है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए हर रोज ट्रैफिक रूल्स तोड़े जाते हैं, कई बार अनजाने में तो कई बार जानबूझकर। ऐसे में रूल्स तोड़ने वाला तो खुद जोखिम मोल लेता ही है, साथ में सामने वाले को भी खतरे में डाल देता है, जिससे कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेड लाइट जंप करने के, सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माने के साथ साथ नेगेटिव स्कोरिंग का भी प्रस्ताव है। अगर नेगेटिव स्कोरिंग ज़्यादा हुई तो लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। नए बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के साथ साथ ऑटो कंपनियों को भी जवाबदेह बनने की कोशिश की जा रही है। गलत डिज़ाइन या दोषपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और गड़बड़ी पाए जाने पर ऑटो कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों के डिज़ाइन में गड़बड़ी पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। सीएम सिटी में यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 126 कर्मचारी तैनात हैं। बावजूद इसके शहर के कई स्थानों पर जाम लगाना आम बात है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जाम को कम करने और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार अपने प्लान तैयार किए गए हैं। कई रूटों को बंद तो कईयों को नो एंट्री जाने की घोषित किया गया है। बावजूद इसके जाम की स्थिति लोगों को परेशान करती है। दरअसल जाम का मुख्य कारण लोगों की नासमझी भी है।